अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन IELTS एग्जाम। तो आपको मैं IELTS के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको जनरल बताऊंगा कि IELTS क्या होता है और रिक्वायरमेंट क्या है कनाडा के लिए। मेरा IELTS एग्जाम का स्कोर कितना था और कितनी बार हम IELTS को पाकिस्तान में दे सकते हो, किस तरह बुक कर सकते हो, क्या फीस है इसकी। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर मॉड्यूल को सेपरेट डिस्कस करूँगा, जैसा कि एक वीडियो स्पेशल होगी रीडिंग पे, एक लिसनिंग पे, एक स्पीकिंग पे और एक ही राइटिंग पे। तो ये प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं एक यूट्यूब चैनल पर, आप उसको फॉलो करके आप भी IELTS क्लियर कर सकते हैं और आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि IELTS होता क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि IELTS क्या है। IELTS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। इसमें वो आपकी इंग्लिश की स्किल को मेजर करते हैं कि आप कितने कैपेबल हो इंग्लिश फ्लुएंट बोलने में और कितनी आप इंग्लिश समझ सकते हो, लिख सकते हो और रीड करके कितने करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो बेसिकली IELTS दो तरह का होता है, एक जनरल और एक एकेडमिक। अगर आप स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको एकेडमिक ही करना पड़ेगा और अगर आप इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं आपको IELTS जनरल देना होगा। तो एकेडमिक थोड़ा बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल IELTS, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों टाइप्स के IELTS में सेम ही होती है। राइटिंग रीडिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फ़ी की बात करूँ तो जब मैंने दिया था तब थी 38,200 समथिंग फीस थी, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा होगी या शायद हो सकता है कि उतनी ही हो। तो उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स कैन वी गिव IELTS। तो ये डिपेंड करता है आप पे। आप एक मंथ पे 2 बार IELTS मेरे ख्याल से दे सकते हो, 2 बार बुकिंग होती है। तो इसका 13 डेज बाद रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसके बाद आप वेरी नेक्स्ट डे आप IELTS के लिए फिर दोबारा दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IELTS की रिक्वायरमेंट क्या है इंटरमीडिएट और बैचलर के बाद। अगर तो आप STS में स्टूडेंट एक्सट्रीम के थ्रू आना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद आपका मिनिमम बैंड स्कोर 6 होना चाहिए हर मॉड्यूल में। स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग में भी 6 होने चाहिए, 6 इन ईच। और अगर आप बैचलर के बाद आ रहे हैं तो आपका बैंड स्कोर होना चाहिए 6.5 और 6 इन ईच। एक और क्वेश्चन आता है कि हम IELTS कहाँ पे दे सकते हैं। तो बेसिकली मेजर सिटीज़ लाइक लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, हर सिटी में इनके सेपरेट IDP और ब्रिटिश काउंसिल वालों के जो सेंटर होते हैं वहाँ पे आप IELTS बुक करके दे सकते हैं। मैंने IELTS सियालकोट में ही दिया था, वहाँ पे इनका सेंटर मौजूद था, तो मुझे लाहौर और बड़े शहर गुजरात में नहीं जाना पड़ा था, मेरा IELTS वहाँ पे ही हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन क्वेश्चन, मेरा IELTS बैंड स्कोर क्या था। तो मेरा यार एक्चुअली ओवरऑल 7 बैंड स्कोर था। तो मेरा रीडिंग में 7.5 था, स्पीकिंग मेरा बैंड स्कोर वाज 7, राइटिंग में मेरा बैंड स्कोर था 6 और लिसनिंग में मेरा था 6.5। तो ओवरऑल 7 बैंड स्कोर था। ये था मेरा IELTS बैंड स्कोर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पता चल गया होगा कि IELTS क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, फी कितनी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं हर मॉड्यूल पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो और आप देख सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।